देखिए, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और अब हम मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी की बात करेंगे। एमए के बाकी कोर्सेज के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं चौहान वीडियोस में ही एमए कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो उससे आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। अब हम इसमें सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी जो होता है इसमें जो होगा आपको हिंदी में आपको और इंग्लिश में दोनों में आप कर सकते हैं, मतलब आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं और इंग्लिश में भी, ठीक है। ड्यूरेशन जो होती है वो मिनिमम 2 ईयर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनिमम जो है 2 ईयर्स ड्यूरेशन है और मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर ड्यूरेशन, मतलब 2 साल के अंदर आप कोर्स ख़त्म कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 5 साल के अंदर आपको करना ही करना है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 9000 जो है फुल प्रोग्राम के लिए। अब देखते हैं कौन कौन से कोर्स लेने होते हैं इसमें। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोर्सेज लेने होते हैं। फर्स्ट ईयर जो के जो कोर्सेज होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और सेकंड ईयर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कोई से कोर्स चूज़ कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट ईयर में सारे के कोर्सेज जो हैं ये 8-8 क्रेडिट के हैं। फर्स्ट ईयर में MSO 1, 2, 3, 4 सारे के सारे कोर्सेज आपको कंपलसरी लेने हैं फर्स्ट ईयर में। लेकिन सेकंड ईयर में आपको चॉइस है, 32 क्रेडिट्स आपको लेने होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई आपको 32 क्रेडिट लेने हैं, यानी कि 4 कोर्सेज इनमें से सिलेक्ट करने हैं। ये जो आप सेकंड ईयर में 6 कोर्सेज देख रहे हैं उनमें से कोई 4 सिलेक्ट करने हैं। इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो देवल के सिंगर रॉय है और त्रिभुवन कुमार है। इनका मैं एड्रेस भी आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे ये जो है इनका कॉन्टैक्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।